Hey guys, very good morning. This is my first moto vlog from Sahibganj. Actually, vlog तो और भी डाल चुका हूँ मैं, but ये moto vlog पहला होगा क्योंकि मैंने एक बैटरी मंगाया है और उसको बस टेस्टिंग के लिए निकला हूँ कि बैकअप क्या है. और काफ़ी टाइम के बाद मेरा हेलमेट आया था तो उसका माइक कंडीशन, माइक कनेक्टिविटी कैसा है ये भी चेक कर लूँगा मैं. तो ये साहिबगंज की तंगलियों से मैं निकल रहा हूँ. मैं जहाँ पर रहता हूँ, चैती दुर्गा नाम है उस जगह का, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं अभी बोरियो वाले रास्ते में, बरहेट वाले रास्ते में, तो जो रांची वाला हाईवे है वहाँ पर जाऊँ. घाटी है यहाँ पर उस तरफ, ये है चैती दुर्गा चौक. मॉर्निंग बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा ठंडा है नहीं, एकदम हल्की हल्की मीठी मीठी सी ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है. और सभी लोग अभी उठ के बस अपने अपने काम पे, हल्का फुल्का जो दुकान है, दुकान साफ़ सफाई ये सब में लगे हुए हैं. ड्यूटी वाले अपने ट्रेन पकड़ने के लिए निकले हुए हैं. मैं खुद एक ड्यूटी वाला हूँ बट मुझे ट्रेन से नहीं जाना है, 9:30 बजे पैदल निकलना है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा बाइक राइडिंग के लिए निकला हूँ. काफ़ी टाइम के बाद निकला हूँ. दिस इज़ साहिबगंज, बहुत ही ओल्ड सिटी, पुराना सिटी है बहुत. यह है यहाँ का फाटक, पूर्वी फाटक बोलते हैं इसे. राइट तरफ स्टेशन और लेफ्ट तरफ रांची, रांची मालदा. व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है. हाँ, इतना ही आना चाहिए यार. बाकी देखते हैं बैटरी का बैकअप क्या रहता है, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली GoPro बैटरी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, सही से बैकअप दे नहीं रही है, लगभग 1.5 साल हो गए उसको. तो ये नया एक बैटरी मंगाया, क्योंकि GoPro Hero 7 की जो बैटरी वो बनना बंद हो गया है, प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है कंपनी ने, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो एक बैटरी मंगाया मैंने. ये जो है ये है आज़ाद चौक, और ये जिरवाबाड़ी एरिया बोलते हैं इस आज़ाद चौक, जिरवाबाड़ी ये सब, इस तरफ में किरण माला क्लिनिक जो है काफ़ी फेमस है. सोच रहा हूँ कि पहाड़ी पार करके वहाँ पे अगर कोई होटल होगा तो वहाँ पे चाय पी के वापस आ जाऊँगा. हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल. बहुत बोल लिया ऐसे, बस अभी राइड की फीलिंग ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे साल भर हो गया मैं बाइक मुश्किल से मैंने 20 किलोमीटर से दूर चलाया होगा. कहाँ मैं हज़ारों किलोमीटर चलाता था बाइक, यहाँ 20 किलोमीटर में अटक गया हूँ. तो सीधा जो रास्ता जाएगा गोड़ी महाराजपुर और राजमहल के तरफ, और ये जो राइट वाला रास्ता है बोरियो बरहेट रांची के तरफ. साहिबगंज खुद पुराना सिटी है, जैसे एक ब्लॉग मैंने डाला है ना, वो मिर्जा चौकी रक्षी स्थान, तिलियागढ़ी किला हो गया, इधर कन्हैया स्थान है, फिर आपका शिवगादी धाम है, राजमहल में जामी मस्जिद है, और उसके बाद उधवा नेशनल पार्क है, उधवा जो है उधवा बर्ड सेंचुरी एक लेक है वो है, फिर आपका एक मंडरो फॉसिल पार्क है. मंडरो फॉसिल पार्क में बताते हैं कि 40-40 मिलियन पुराने जो अवशेष हैं वो पत्थर के रूप में पत्थर हो गए हैं, जो पेड़ पौधे के अवशेष थे, जीवाश्म एक तरह से फॉसिल पार्क है वो. मज़ा आ रहा है भाई, शानदार शानदार, क्या सूरज निकला है सुबह सुबह यार, बहुत मस्त. ये है थोड़ा बहुत कर्व यहाँ का, और ऐसे कर्व्स में तो बहुत राइड कर चुका हूँ, तो बहुत ही मज़ा आता है बाइक लीन करने में. जय बजरंगबली. तो ये रहा यहाँ का टॉप, यहाँ पे चाय पी सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा और आगे से आते हैं. बोरियो शिवगादी चामुंडा जी, इधर तो ठंडा लग रहा है भाई, कोई ढाबा मिल नहीं रहा है यार चाय पीने के लिए. भाई लगभग 10 किलोमीटर के आसपास राइड करके आ गया हूँ मैं यहाँ पे. ये जो हाईवे है ये बोरियो बरहेट दुमका रांची की तरफ निकालती है. काफ़ी दिनों के बाद अच्छा लगा थोड़ा सा राइड करके, बढ़िया सा लगा, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा है, बिल्कुल राइड परफेक्ट मौसम है. ऐसे में सुबह सुबह 5 बजे निकलो, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर हो जाएगा ऐसे में. हमने बहुत ऐसे राइड किए हैं बट यहाँ पे 1 साल हो गया आए हुए, कभी राइड मारी नहीं अभी तक. और माइक टेस्ट वगैरह तो करने के लिए लगाया ही था, सुबह नींद खुल गई आज तो इसका यूटिलाइज़ कर लिया है मैंने. अब देखता हूँ कहीं पे कुछ ढाबा तो मिला नहीं, ढाबा वगैरह मिलेगा वहाँ पे तो फिर चाय वगैरह पीऊँगा, फिर उसके बाद रूम के लिए निकल जाऊँगा. अभी थोड़ा सा राउंड मार लेता हूँ. चलो भाई लोग निकला जाए अब इस रोड में, अभी अनजान हूँ तो ज़्यादा आगे तक जाऊँगा नहीं, रांची जाने का प्लान तो कर रहा हूँ मैं. एक छोटी सी राइड थी ये बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए,
चाय है दीजिए तो एक, अदरक उदरक डाल दीजिएगा ना, अदरक है ना? ना अदरक नहीं डालते, अदरक नहीं डालते हैं। अच्छा ठीक, चाय बनाइए एक बस। तो भाई चाय तो पी लिया, चाय में उतना दम लगा नहीं मुझे, मतलब खौलाया तो सही से गया था बट उसमें चीनी सही से नहीं डाला गया था, मतलब बिल्कुल फीका फीका लग रहा था। और हम लोग तो मीठे इंसान हैं, मीठी ज़िंदगी जीते हैं तो थोड़ा मीठा मांगते भी हैं अपन। ज़िंदगी में मीठापन होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए ज़िंदगी, इसलिए हमेशा मैं कलरफुल कपड़े पहनता हूँ और मीठा दबा के खाता हूँ, बस शुगर ना हो जाए इस चीज़ का टेंशन रहता है। साहिबगंज के व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, यहाँ के लोकेलिटी को मैं एक्सप्लोर कर करके अपलोड करता रहूँगा, बड़े प्यार से मैं व्लॉग बनाऊँगा और आप भी बड़ा प्यार दिखाएँ उसमें। तो मिलते हैं किसी अगली राइड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।